हाँ भाई, सुपर कंडक्टर्स राइट। सबसे पहले अपन चलते हैं ऑन बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर एंड थर्ड इज ए सेमीकंडक्टर। तो ये फोर्थ क्या है एक्चुअली अपने पास होता यह है। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो है तो अपने पास मेटल्स एंड कंडक्टर्स ही हैं अपने पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में चलते हैं। एज वी नो व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। For some metals or alloys, resistance and resistivity at a particular temperature is becomes zero. फिर दोबारा बोल देता हूं। At a particular temperature, for some metals and some alloys, resistivity and resistance is becomes zero. This property is called a सुपर कंडक्टिविटी एंड दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी एंड सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। द टेम्परेचर एट विच रेसिस्टेंस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। so that at critical temperature resistivity becomes zero. Critical temperature for a mercury, आप जानते ही हैं मर्करी Hg is 4.2 kelvin. so that for mercury at 4.2 kelvin rho becomes zero, right? आगे अपन चलें। superconductors may be used in supermagnetism and to reduce heat loss in connecting wires. ठीक है, देखो भाई, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, इट मीन्स हीट लॉस भी जीरो हो जाएगा। तो लॉसेज को मिनिमाइज करना है अपने पास, एंड सुपर जनरेटर्स बनाने हो, सुपर कंडक्टर्स, सुपर मैग्नेटिक बनाने हो, देन सुपर कंडक्टर्स आर मे बी यूज। इसलिए बोला है क्योंकि टेम्परेचर इज 4.2 केल्विन विच इज नॉट पॉसिबल इन एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जीरो हो जाता है। ग्राफ फॉर एच जी ये रहा भाई, टी इट इज 4.2 केल्विन फॉर एच जी। अगर आप देखें एच जी के लिए 4.2 केल्विन पर रो बिकम्स ए जीरो, सो दैट रेसिस्टिविटी इज ए जीरो। इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स एंड ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, राइट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, पहले अपन थोड़ा सा जो पढ़ा रहे थे ना, तो जंप कर गए थे, है ना। हालांकि मैंने आप लोगों को वीडियो भेजे हैं मोबाइल पर मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ। उस समय किसी बच्चे ने, शायद मैं भी, राहुल ने कहा भी था कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ये नहीं हुआ है, तो आज पहले अपन वही टॉपिक करा लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट रेसिस्टेंस।
Now, definition of resistance, it is denoted by R. तो सबसे पहले अपन चलते हैं impedance provided by ions or atoms in path of free electrons in presence of external electric field is called resistance. एक बार दोबारा बोल देता हूं मैं, impedance provided by ions and atoms in path of free electron in presence of external electric field is called resistance, right? एक बार थोड़ा सा डिटेल्स हैं मैं कर देता हूं. देखो भाई क्यों चले हैं अपन, मैंने बताया भी था, यहां से चले जैसे सेल से कनेक्ट किया. नाउ यहां से देखो एक बार आप, पॉजिटिव एंड एंड दिस इज नेगेटिव. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. आ गया होगा समझ में अपने पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब अपन चलें, देयर आर मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए कंडक्टर. तो फ्री इलेक्ट्रॉन से देखें अपने पास, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया. तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे. अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा आगे चलेगा, आगे चलते ही देखो भाई क्या होगा, एटम्स एंड आयन्स है यहां पर अपने पास कोई भी. जब एटम्स एंड आयन्स हैं तो सबसे पहले तो एक चीज चलें, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड विथ एटम्स एंड आयन्स सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस. तो अपन ये कह सकते हैं रेसिस्ट अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ को अपने पास है, ये रेसिस्ट कर रहे हैं अपने पास. तो जो रेसिस्ट कर रहे हैं इसको अपन ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिंग इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. तो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन की जो अपने पास आयन्स एंड एटम्स हैं उसके से जो कोलिजन होगी उससे उसकी स्पीड डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. अब अपन सबसे पहले चलें, यहां से अपने पास हुआ, फिर थोड़ा आगे चला, यहां से अपने पास ये सेकंड नंबर आयन्स एंड एटम्स हैं. तो ये सपोज दैट कि सेकंड कोलिजन मान लो इट इज थर्ड कोलिजन हो गया, ठीक है. सपोज दैट सेकंड कोलिजन इज एट 10:20 एंड थर्ड इज 10:22. सो दैट टाइम टेकन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कोलिजन इज 2 मिनट. दिस 2 मिनट इज कॉल्ड ए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. मैंने डेफिनेशन बताई थी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन की. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का मीनिंग है टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, राइट. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन आ गया मीनिंग समझ में अपने पास. तो सेकंड कोलिजन फिर थर्ड कोलिजन टू बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड ए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड ए रेसिस्टेंस एंड ए रेसिस्टिविटी. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आगे अपन चलें इसमें, बाय ओम्स लॉ एज वी नो वी इक्वल टू आर आई and R is equal to V upon I, so that unit of resistance volt per ampere, SI unit ohm है, आप जानते ही हैं, पहले भी आप study कर चुके हैं 10th level पर. Now definition of 1 ohm, R is equal to V upon I, if I equal to 1 ampere, V equal to 1 volt, then R equal to 1 by 1,
It is 1 ohm. Now we can define 1 ohm if a 1 ampere current flow in a conductor and a 1 volt potential difference is produced across a conductor, then resistance of conductor is 1 ohm. Right? दोबारा बोल देता हूं. If 1 ampere current flow in a conductor and 1 volt potential difference is produced across ends of conductor, then resistance is 1 ohm. Clear? Now, resistance is not depends on voltage and current. Resistance is not depend on a voltage and a current. Clear? कोई दिक्कत नहीं है. Now, formula of resistance by Ohm's law आप जानते हैं, ये भी study कर चुके हैं. ML upon N e square to into A. तो आप सबसे पहले देखें, resistance depends on length, cross section area, time of relaxation. As we know, time of relaxation depends on temperature, so that one factor is a temperature. उसके बाद में अपन चलें, यहां से देखें एक बार, length, cross section area, temperature, mass of electron constant, charge of electron also constant, number density, 3 electron number density, and so resistance depends on n. Free electron number density is depends on a nature of matter. Maximum free electrons presents in silver. Second number is a copper. Third number is a aluminium. So that as a best conductor, silver, copper and aluminium are used in our daily life, right? So resistance किस पे depend कर रहा है? Length, area, cross section area, temperature and nature, right? Length, cross section area, इसको geometry भी कह सकते हैं. So that resistance depends on geometry, temperature and nature. Clear? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे. Resistivity. Resistivity or specific resistance, it is denoted by rho, right? Next अपन चलें इसमें. सबसे पहले, as we know, R is proportional to L, so that length increases, then resistance also increases, and R is proportional to 1 upon A, so that resistance of thin wire is more than in compare of thick wire. ठीक है ना? तो अपने पास जैसे ये ले लेते हैं, अपने पास 1 thick and 1 thin wires हैं. So resistance is more than for thin wire and less than for a thick wire. Clear? Now, ek saath lein, then R is proportional to L upon A, and R is equal to rho L upon A.
where rho is called a resistivity or specific hai resistance unit find karni hai. Rho is equal to, it can be written as a Ra upon L, A upon L. Now unit ohm into meter square upon meter, so that unit is ohm into meter, right? Dimension formula, so ohm ka aap jante hi hai, volt per ampere into meter, joule per coulomb, m1 l2 t minus 3 a minus 1 upon a1 l1, so that m1 l3 t minus 3 and a minus 2. It is unit of a resistivity or specific a resistance. Clear? Now rho is equal to Ra upon L. If A equal to 1 meter square, L equal to 1 meter, then क्या रहेगा भाई, देखो एक बार, rho is equal to r, so that 1 meter length and 1 meter square cross section area, तो अपन ये भी कह सकते हैं conductor with unit length, conductor with a unit length and unit cross section area, then resistance of that conductor is equal to its resistivity. So that resistance of a conductor with unit length and unit cross section area is equal to its specific resistance. Clear? Rho is not depends on area and length. पहले memorize कर लेना भाई. Resistance depends on length and area, but 1 minute भाई. हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं. रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, बट रेसिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ. क्लियर? इसीलिए जैसे लेंथ है अपने पास, बोर्ड का एग्जांपल है भाई, ये यूं था, length L1 and L2. These wires are formed with same metals. Then find a ratio of Rho1 and Rho2. आप सबसे पहले ध्यान दें, resistance are made by same metals, so that Rho1 upon Rho2 is equal to 1/1. Aaya meaning samajh mein? Because resistivity is not depends on length and cross section area. Is it clear? Koi dikkat nahi hai? To aa gaya, isme length and cross section area le le. If we stretch a wire, then resistance of wire has been changed, but there are no change in resistivity and conductivity. Fir ek bar bol leta hu, if we stretch a wire, then resistance has been changed, but there are no change in resistivity and conductivity. Clear? To exam mein confuse karne ke liye question bhi aata hai ki suppose that a wire stretch by double length, wire ko stretch karke length double kar di, so that L dash is equal to 2L, then find out
what is change in resistance and change in a resistivity? There are no change in resistivity. यहां से सबसे पहले तो ये चलो, तो rho dash is equal to rho. There are no change in a resistivity. Is it clear? आगे अपन और एक चलें अपने पास सबसे पहले. एक सेकेंड भाई. Now we can find change in resistance. कैसे? देखो एक बार resistance में change कैसे आएगा. ये है अपने पास length L, cross section area A, stretch किया अपन ने length L dash, and now cross section area is A dash by volume conservation we get A dash L dash AL and A dash is equal to AL upon L dash. Length double है भाई 2L, then cross section area is half. आगे से आप इतना formula भी use में नहीं लें, direct तरीका बता देता हूं मैं इसका. सबसे पहले आप इसमें एक चीज याद रखें, इसको याद करने का, if by stretching length becomes double then cross section area is halved. ठीक है, if length becomes n times then cross section area is a by n. तो clear, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में. if it is n times then cross section area is decreases by n times, so that a by n. Now r dash is equal to rho l dash upon a dash, r dash rho l dash 2l, it is a by 2. Now r dash is equal to 4 rho l upon a. As we know rho l upon a is equal to r, so that r dash is equal to 4 r. Then in this example by stretching length becomes double, then there are no change in resistivity, but resistance becomes 4 times, right? If we calculate percentage change, then r dash minus r upon r into 100. देखो percentage change का formula आप जानते ही हैं, final value minus initial value upon initial value into 100. ठीक है, it is 4r minus r upon r into 100, then we get 300%. It is positive, so that resistance increases. If it is negative, then resistance is decreases. ठीक है, 300% increase, there are no change in resistivity. अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, इसका बर्थडे आज बोल दिया ना, स्टेटस भी लग गया. टीचर आ गया. As we know, R is equal to rho L upon A. Question number first. R is equal to M L upon N square rho into A. By compare equation first and second, we get a, now compare L upon A, L upon A. Then rho is equal to M upon
and E square tau. It is basic formula of a resistivity. Now, rho किस पे depend करता है? देखो एक बार, mass is constant, charge of electron also constant. So that resistivity is depends on time of relaxation and nature. Then अपन ये कह सकते हैं, resistivity is only depends on nature and a temperature. Nature and a temperature. It is not depends on a length and a cross section area. Is it clear? Now, vector Ohm of Ohm's law. It is also called a microform of Ohm's law. Right now, as we know, J equal to N E V D. आप जानते हैं, it is relation between current density and a drift velocity. By VD is equal to E tau upon M into E, then J is equal to N E, E tau upon M into E, and J is equal to N E square tau upon M into E, then J is equal to sigma E. In vector form लिखा है भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है. Where sigma is equal to n e square tau upon m, it is called a conductivity. एक होता है भाई केमिस्ट्री में कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. अपने यहां यही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और इसी को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं. तो कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आर सेम इन फिजिक्स. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस, अपने यहां ज्यादा नहीं है बट केमिस्ट्री में यूज में आता है. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, सो दैट कंडक्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन आर. इज इट क्लियर? कंडक्टेंस मीनिंग वन अपॉन आर और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. नाउ एज वी नो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट ए. हाँ भाई देखें एक बार, सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो, सो दैट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, राइट? एंड यूनिट वन अपॉन ओम इनटू मीटर, देन ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को इट कैन बी रिटन एज ए ओम इनवर्स एंड ए मीटर इनवर्स. एम एच ओ भी लिखते हैं भाई, महो महो मीटर इनवर्स एंड महो पर मीटर. इनवर्स ऑफ ओम इज कॉल्ड ए महो. आगे एक चीज और चलते हैं अपन इसी में. देखो भाई यहां से वन यूनिट आप केमिस्ट्री में जानते हैं वन अपॉन आर, उसका यूनिट यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम एंड वन अपॉन आर इज कॉल्ड सीमेंस, इज कॉल्ड सीमेंस. तो ओम इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेंस. इट इज एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सीमेंस एसआई यूनिट ऑफ है कंडक्टेंस. सीमेंस इज ए ओम इनवर्स. राइट नाउ आप डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट कर ही सकते हैं. उसके बाद में एक और चीज चलें, इसको यहां ले लें, देन सिग्मा रो इज इक्वल टू वन, सो दैट
product of conductivity and resistivity is always one. अपन ये भी कह सकते हैं value of resistivity and conductivity is always equal to one. Is it clear? उसके बाद में अपन चलें यूनिट वगैरह फाइंड कर ली. नेक्स्ट अपन चलें सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम सो दैट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन ए नेचर एंड टेम्परेचर. कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन ए नेचर एंड ए टेम्परेचर. राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. इट इज माइक्रो फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी बोल ओम्स लॉ भी बोल सकते हैं और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी बोल सकते हैं. यही आपके टॉपिक इससे आगे मैंने जंप किया था तो उसमें फिर रेसिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है. एक कार्बन रेसिस्टर है अपने पास, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है जैन, एक कार्बन रेसिस्टेंस है जैन. उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं अपने पास, वो मैंने वैसे तो वीडियो में सोल्व करा दिए थे, फिर भी अगर आपको लाइव ही पढ़